हेलो एवरीवन माय नेम इज स्वाति योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स कैसे हैं आप सब तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक नई पोम जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ अ टॉकिंग फैन मिस्ट्री का मतलब क्या होता है समथिंग व्हिच इज़ नॉट नोन समथिंग व्हिच इज अनएक्सप्लोर्ड कुछ स्ट्रेंज सा कुछ पिक्यूलियर सी चीज़ राइट और मिस्ट्रीज हमको बहुत ज़्यादा एक्साइट भी करती हैं मिस्ट्री ऑफ अ talking फैन अ फैन टॉक्स नो अ फैन doesn't टॉक लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं कि ये जो फ़ैन है ये बोलता भी है और इसके पीछे एक मिस्ट्री छुपी हुई है सो इसके बारे में जानने के लिए लेट्स विद अ पोम मिस्ट्री ऑफ अ टॉकिंग फैन दिस इज एन दिस इज़ अ वेरी क्रिएटिव पोएम इमेजिनेटिव पोएम जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं वो हर चीज़ के पीछे है ना कुछ ना कुछ इमेजिनेशन अपनी जो है लिंक कर लेते हैं जैसे आप लोग के साथ भी होता होगा हम क्या करते हैं अरे देखो मम्मा ये जो पेंसिल है ना द पेंसिल लुक्स लाइक अ मैन और देर इज दिस जो क्लाउड है इट लुक्स लाइक अ हॉर्स सो ये सारी चीज़ें क्या है ये इमेजिनेशन तो है सो हियर आर पोएट द नेम ऑफ़ द पोइट इज़ मॉड रोबिन सो ये जो हमारी पोइट हैं ये बहुत ही एक एक्लेम्ड पोइट हैं जिन्होंने बहुत सारी जो डेली लाइफ में जो मंडेन चीज़ें होती हैं जैसे कि ट्यूबलाइट हुआ या फैन हुआ या रेफ्रिजरेटर हुआ ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत असेंशियल हैं लेकिन उसके बाद भी हम इन पर हम इनके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं हम क्यों सोचेंगे बट हमारी इन पोएट ने इन सारी चीज़ों को बहुत ही क्रिएटिव अप्रोच दी है सो लेट्स रीड अबाउट हर फर्स्ट द पोएट्स ऑफ दिस पोम इज़ मॉड जुबिन शी वॉज अ पोएट विद वो हंड्रेड पब्लिश पोम्स इन्होंने हंड्रेड से ज़्यादा पोम्स जो हैं वो पब्लिश की हैं एंड फोर्टी टू स्टेट एंड नैशनल अवॉर्ड्स टू हर नेम इन्होंने फोर्टी टू स्टेट एंड नैशनल अवार्ड्स जीते हैं और इनकी जितनी भी सारी पोम्स हैं उसके लिए इन्होंने एक बुक भी पब्लिश करी थी लीव्स ऑफ लॉरल द पोम ब्यूटिफुल कैप्चर्स द मूमेंट ऑफ द मच फमिलियर एंड मंडेन ऑब्जेक्ट अराउंड टाइम आर वेरी असेंशियल पार्ट ऑफ आर एग्जिस्टेंस सो इन्होंने जितनी भी पोम्स लिखी हैं वो बहुत ही कॉमन और बहुत ही बोरिंग और मंडेन चीज़ों के बारे में लिखी हैं लेकिन जो कि हमारे लिए बहुत असेंशियल हैं नाउ लेट स्टार्ट विद अ पोम वंस देर वॉज अ टॉकिंग फैन इलेक्ट्रिकल हिस्टैटो

हम कुछ भी बात करते हैं इट्स नॉट इवन इम्पोर्टेंट इट्स लाइक जस्ट कुछ भी सो so वो उसको बोलते हैं चैटर सो दिस वॉज एन इलेक्ट्रिकल चैटर मतलब इलेक्ट्रिकल चैटर अब क्या बोलना चाह रहा है पोइट जब आ, हमारा जो फ़ैन होता है अगर उसके जो पार्ट्स होते हैं उसमें फ्रिक्शन होता है और वो आपस में जो हैं, तकराते है टकराते हैं तो उसमें से एक साउंड आता है और हम मोस्टली एक आध बात तो आपने सुना ही होगा फ़ैन अजीब सी आवाज़ करता है सो so, वो आवाज़ आ रही है एंड उस आवाज़ को वो बोल रहा है कि वो जो फैन है वो चैटर कर रहा है मतलब वो बात कर रहा है उसकी चैटर कैसी है इलेक्ट्रिकल है आई कुडेंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड एंड आई होप इट ड मैटर मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो एग्जैक्टली exactly क्या बोलना चाह रहा है लेकिन मुझे लगता है इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है सो आई कूडेंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड मतलब दिस फैन इज समथिंग एंड सेट आर वी Like, uh, there is one important thing that we should understand here electrical his chatter. Okay, so electrical his chatter and this his, and here what he said. Basically, again, we are giving uh, human attributes to this non living thing. So, what is the poetic device that we are using here? We are using personification, right? so once there was a talking fan electrical his chatter i couldn't quite hear what he said and i hope it doesn't matter matlab something he said but kya bula usne i don't even know because one day somebody oiled

तो जैसे ही ये ऑयलिंग हो गई सो so उसमें जो फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था वो फ्रिक्शन खत्म हो गया एंड नाउ दैट इट इज ऑयल्ड पूरी मिस्ट्री खत्म हो गई वाई बिकॉज नाउ देर इज नो चैटर देर इज नो इलेक्ट्रिकल चैटर द फैन इज रनिंग एज स्मूथ एज वाटर नाउ दैट वॉज अ वेरी लिटिल पोम And let's have a quick look at the summary to understand it better but before that let's also look at the rhyming scheme because I got a lot of comments that ma'am let's also discuss the rhyming scheme Achha, rhyming scheme kaise discuss karte so you have to look at the last word of all the lines so the first word is fan दे fan. नाउ ओनली लिसन टू द साउंड ऑफ द लास्ट वर्ड सेकंड वर्ड इज चैटर अब फैन और चैटर डू दे साउंड सेम नो सो अब हम इसको बी कर देते हैं थर्ड इज आई कुडेंट क्वाइट हियर व्हाट ही सेड अब सेड भी फैन और चैटर के साथ साउंड नहीं कर रहा है सिमिलर सो अब इसको हम सी कह देते हैं एंड आई होप इट ड मैटर अब ये जो मैटर है ये किसके साथ सिमिलर साउंड कर रहा है चैटर के साथ तो हम इसको वापस बी नाम दे देंगे तो जो सेम साउंड करते हैं उनको हम सेम वर्ड्स देंगे सेम लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे और जो नहीं सेम साउंड करते हैं उन्हें हम डिफरेंट लेटर लेटर से रिप्रेजेंट uh, करेंगे आगे की पोम देखते हैं ऑयल्ड लेट मी क्लियर दिस सो ऑयल्ड ए हो जाएगा मोटर बी हो जाएगा बिकॉज दे डू नॉट साउंड सेम स्पॉइल्ड अब ये स्पॉइल्ड जो है अगेन इट साउंड सेम राइट सो so, ये हो जाएगा ए ऑयल्ड और स्पॉइल्ड सो दे साउंड सेम एंड वॉटर मोटर एंड वॉटर सो ये साउंड सेम कर रहे हैं तो इसकी हो जाएगी राइमिंग स्कीम ए बी ए बी और पहले वाली की हमारी राइमिंग स्कीम क्या थी जो पहला वाला हमारा पैराग्राफ था उसकी राइमिंग स्कीम थी ए देन चैटर इज़ बी सेड इज सी एंड मैटर इज अगेन बी तो इस पैराग्राफ की रीम क्या हुई ए बी सी बी इस तरीके से हमें किसी भी पोम की राइमिंग स्कीम समझ में आती है आई होप यू अंडर के लिए द ओनली थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द लास्ट वर्ड ऑफ एवरी लाइन उसके सिर्फ साउंड पे फोकस करना है एंड देन दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट ओके नाउ लेट्स मूव फर्द लेट्स क्विकली लुक एट द

सो so, अब जो ये हमारा पोएट है ये जो उस फैन की आवाज़ आ रही है जो इसकी इलेक्ट्रिकल आवाज़ आ रही है उसको वो किससे कंपेयर कर रहा है एक ह्यूमन चैटर से कंपेयर कर रहा है दो अननोन एंड इनकम्प्रहेंसिबल अननोन है उसको वो पता नहीं वो क्या है एंड इनकम्प्रहेंसिबल का मतलब जिसे आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते जिसे आप समझ नहीं सकते सो so, उसमें से कुछ आवाज़ आ रही है पोइट को लग रहा है वो उनसे कुछ कहना चाह रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा है

अब वो जो स्मूथनेस आ गई है नाउ द फैन इज़ रनिंग एज टल एज वॉटर कोई आवाज़ नहीं आ रही है बट लेकिन जो मेरा क्यूरियस माइंड था जिसमें लग रहा था मुझे इसमें ज़रूर कोई मिस्ट्री है उसका क्या मेरी तो पूरी मिस्ट्री ही स्पॉयल हो गई क्योंकि नाउ दर इज़ नो चैटर नाउ अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मुझसे क्या कहना चाह रहा था कहीं मुझसे ये तो नहीं कहना चाह रहा था कि मुझे बंद कर दो या ये कि मुझे नीचे आने का मन कर रहा है या ये कि मुझे घूमने जाना है यू नो यू इट इट्स लाइक जो इमेजिन करना है कर सकते हो वी हैव गॉट अ ब्यूटिफुल माइंड हम हर चीज़ को देख के उसके बारे में कुछ कह सकते हैं हर चीज़ के बारे में कुछ लिख सकते हैं एंड आई एम श्योर ऑल माई किड्स आउट देर दे आर वेरी इमेजिनेटिव सो सोचो आसपास की चीज़ों को देखो मे बी यू विल फाइंड सम मिस्ट्री समवेयर

ये जो पूरी पोम है इसका टोन है क्यूरियस एंड ह्यूमरस मस्ती वाली पोम है ना एज अ टॉकिंग फैन और ओ माय गॉड हमारी तो पूरी मिस्ट्री ही स्पॉइल हो गई तो इसको देख के ऑब्वियसली हंसी आती है तो इट्स ह्यूमरस एंड ऑल्सो इट शोज दैट हाउ क्यूरियस इज आर पोएट सो कैसा हो गया इसका टोन क्यूरियस एंड ह्यूमरस नाउ थीम टू कैप्चर द मंडेन लाइफ लाइक थिंग्स अराउंड अस हमारे आसपास जो एकदम लाइफलेस चीज़ें हैं जो बहुत ही बोरिंग चीजें हैं उनको थोड़ा सा क्रिएटिव करना है ये हमारी थीम थी नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स विच आर गिवन एट द एंड ऑफ द पोम फैंस डोंट टॉक बट इज इट इट इज पॉसिबल टू इमेजिन दैट दे डू वॉट इज इट देन दैट साउंड लाइक द फैंस चैटर सो फैन्स तो बात नहीं करते बट हम तो इमेजिन कर सकते हैं सो वॉट इज इट देन दैट साउंड यू नो जो फैन के जो चैटर की जैसकी आवाज़ आती है वो एक्चुअली आवाज़ है क्या द नॉइज क्रिएटेड बाय द फैंस मोटर ड्यू टू लैक ऑफ ऑयलिंग वॉज बी कम्पेर्ड टू द फैन्स चैटर मतलब वो जो आवाज़ आ रही थी क्यों आ रही थी कि फ़ैन में जो उसकी जो मोटर थी उसमें प्रॉपर्ली ऑयलिंग नहीं हुई थी जिसकी वजह से उसके पार्ट्स में फ्रिक्शन आ रहा था उसकी वजह से जो आवाज़ क्रिएट हो रही थी उसको हमने कंपेयर किया है एक फ़ैन के चैटर से सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस आंसर अगेन द नॉइस क्रिएटेड बाय द फैंस मोटर ड्यू टू लैक ऑफ ऑयलिंग मतलब कम ऑयलिंग कम थी लैक ऑफ मीन्स किसी चीज़ की कमी के कारण was being compared to the fan's chatter. Now let's look at the second poem second poem nahi, sorry second question complete the following sentences the chatter is electrical because Q have electrical the chatter is electrical because the noise is being produced by electrical motor of the fan. This is common sense hai. chatter electrical is electrical because fan is an electrical device. और जो नॉइस आ रही है वो उसकी इलेक्ट्रिकल मोटर की वजह से आ रही है सो लेट्स लुक एट आंसर वंस अगेन द चैटर इज इलेक्ट्रिकल बिकॉज इतना तो पूरा क्वेश्चन में ही है द नॉइस इज दींग प्रोड्यूस ये नॉइस कहां से प्रोड्यूस हो रही है ये इलेक्ट्रिकल मोटर से प्रोड्यूस हो रही है नेक्स्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इट इज मिस्टीरियस क्यों है ये मिस्टीरियस बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट द फैन इज स्पीकिंग अरे मिस्टीरियस इसलिए क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा है वो फैन कहना क्या चाह रहा है हाँ अगर आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स हैं जिसमें आप मुझे बता सकते हो कि मैम वो ये कहना चाह रहा था तो अलग बात है मुझे तो नहीं आया मेरे पास तो कोई पावर नहीं सो इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज वी केन नॉट अंडरस्टैंड वॉट द फैन इज ट्राइंग टू स्पीक नेक्स्ट वन इज वॉट यू थिंक द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग वो फैन जो था वो कुछ बोल रहा था वो कुछ कहना चाह रहा था वो क्या कहना चाह रहा था टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग सम ऑयल उसे भूख लग रही थी और वो बोल रहा था मुझे ऑयल दो इट वॉज सीकिंग अटेंशन ऑफ द पीपल एट होम टू पुट ऑयल इन टू द मोटर्स सो वो चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा था कि अरे भाई आई नीड सम ऑयलिंग थोड़ी सी ऑयलिंग चाहिए मुझे उसको मस्त ऑयलिंग मिल गई तो वो अप राइट सो लेट सी देंसर द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग समय क्या कर रहा था वो ऑयल डिमांड कर रहा था इट वॉज सीकिंग अटेंशन सीख मतलब होता है वो दूसरों का अटेंशन लेना चाह रहा था मांग रहा था सो दैट पीपल डू अंडरस्टैंड टू पुट ऑइल इन टू द मोटर्स

फैन मैनेजेस टू थ्रो सो मच एयर व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन सो ये तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन हो गया एज इट हैज एन इलेक्ट्रिक मोटर विच रोटेट्स इसमें क्या होता है एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो रोटेट करती है एंड मेक्स द थ्री ब्लेड्स ऑफ द फैन मूव राउंड एंड राउंड एट अ स्पेसिफाइड स्पीड So, यहाँ पे आपने देखा होगा तो एक मोटर होती है उस मोटर के साथ जो है एक थ्री प्लेट्स जो हैं वो अटैच होते हैं क्या फैन बनाया मैंने वाह सो so, ये जो <laughs> प्लीज ऐसा फैन मत बना के आना कभी भी सो so, ये जो फैन है इसकी ये जो थ्री ब्लेड्स होते हैं तो जब ये मोटर राउंड एंड राउंड मूव करती है तो उसके चक्कर में ये जो तीनों ब्लेड्स हैं ये भी मूव करते हैं एंड व्हेन दे मूव हमको बहुत सारी हवा आती है बिकॉज ये जो मोटर uh, है उसके कारण जो फैन होता है वो एक स्पेसिफिक स्पीड में राउंड एंड राउंड मूव करता है सो लेट्स रीड द आंसर वंस अगेन एन इलेक्ट्रिक फैन मैनेज मैनेजेस टू थ्रो सो मच एयर वेन इट इज स्विचड ऑन एज इट हैज एन इलेक्ट्रिक मोटर इट हैज एन इलेक्ट्रिक मोटर विच रोटेट्स जो कि रोटेट करती है एंड मेक्स द थ्री ब्लेड्स ऑफ द फैन मूव राउंड एंड राउंड एट अ स्पेसिफिक स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड में जिसकी स्पीड आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ टॉकिंग फैन इन योर हाउस क्रिएट अ डायलॉग बिटवीन द फैन एंड द मैकेनिक अच्छा आप लोग के घर में है क्या लिटरली एक ऐसा फ़ैन जिसमें ऐसे टंग 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 को आवाज़ आती है मेरे घर में है एंड ट्रस्ट में मुझे इतनी आदत हो गई कि अब वो आवाज़ नहीं आती ना तो मुझे ऐसा लगता है ओवर साइलेंस है घर में और उसकी वजह से नींद भी नहीं आती तो ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है आज सो so, अगर आपके घर में ऐसी कोई फैन है ऐसा कोई फैन है तो अब हम एक डायलॉग क्रिएट करेंगे जैसे कि एक मैकेनिक है और एक फैन है दोनों आपस में बात कर रहे हैं इट्स गोइंग टू बी वेरी मच फन आई हैव डन समथिंग लाइक दैट फॉर यू लेट्स लुक एट इट मैकेनिक आई जस्ट रियलाइज दैट यू आर अ टॉकिंग फैन मैकेनिक ने बोला ओ माय गॉड मुझे अभी अभी रियलाइज हो तुम तो टॉकिंग फैन हो ओ थैंक गॉड आई डू टॉक यस आई डू टॉक इट्स जस्ट दैट पीपल डोंट लिसन सो so, फैन ने क्या बोला ओह थैंक गॉड यस आई एम अ टॉकिंग फैन बट लोग सुनते ही नहीं है पीपल डोंट लिसन मैकेनिक राइट सो टेल मी व्हाट इज द मैटर मैकेनिक ने बोला ओह ऑल राइट नो प्रॉब्लम आई एम देयर टू लिसन टू यू वट इज द मैटर फैन आई नीड सम ऑयलिंग माई मोटर इज स्ट्रगलिंग टू रोटेट मुझे थोड़े ऑयल की जरूरत है मेरी मोटर जो है वो घूम नहीं पा रही है मैकेनिक आई विल पुट ऑयल इन द मोटर नाउ Fan, thank you so much. Mechanic, Ab usne Oiling hai. how does it feel now? Fan, you were a lifesaver. Thanks a lot. So, this is how we created a small conversation between the fan and the mechanic. Now you can add a lot of things. For example, the fan starts complaining the people in this house, they don't even listen to me. I don't understand what's happening. And the mechanic says, Come on, don't lose a heart. Okay, just it's okay. I am there to help you. So, you can create as many sentences as you want and make it look very attractive and humorous. So, I am done on this note. We finished our poem, Mystery of a Talking Fan. So, I hope you liked it. I hope you understood it. We discussed the poem, we discussed the summary, we discussed the rhyming scheme and the poetic devices and all the question answers so we are sorted exam me kar chisak and uh, in the next video we'll continue with the further chapters of our honeycomb book till then take care stay connected stay safe thank you bye-bye